बेमेतरा जिले में किसानों से समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन की सभी आवश्यक तैयारियों के बाद खरीदी शुरू हो गई है। कलेक्टर के मार्गदर्शन में जिले के 54 सहकारी समितियों के अंतर्गत 91 धान उपार्जन केंद्रों में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी हो रही है। कृषकों की सुविधा के लिए 5 नए उपार्जन केंद्र साजा विकासखंड के अकलवारा और दर्री, बेमेतरा विकासखंड के लौलेसरा और जंगलपुर और बैरला विकासखंड के पतौरा में खोले गए हैं। सभी केंद्रों के लिए डाटा एंट्री ऑपरेटर स्टाफ के साथ साथ कंप्यूटर सेट, प्रिंटर, यूपीएस, केवीए जनरेटर, नमी मापक यंत्र, पॉलिथिन कवर, ड्रेनेज मटेरियल की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। धान के अवैध व्यापार, परिवहन और धान उपार्जन केंद्रों की समुचित निगरानी, निष्पक्ष और पारदर्शी जांच के लिए केंद्र स्तर पर निगरानी समिति का गठन किया गया है। साथ ही राजस्व, खाद्य, सहकारिता और पुलिस विभाग संयुक्त रूप से इस कार्य का पर्यवेक्षण करेगा। अवैध धान परिवहन की रोकथाम के लिए विभिन्न स्थानों पर जिले में 10 चेक पोस्ट स्थापित किए गए हैं। जिले में अवैध धान की 63 प्रकरण बने हैं। तो शुरू से ही हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अभी जो हमारे पास बारदाने की स्थिति है, लगभग सभी समितियों में बारदाने की पहुंचा दिया गया है, जो कि बारदाने जो होते हैं पर्याप्त मात्रा में उनके पास उपलब्ध। उज्जैन में